फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल नहीं लग रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पर कॉल नहीं लग रहा है ना, तो सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल का आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सिम कार्ड मोबाइल से बाहर निकालना है। और देखिए, सिम कार्ड की जो सिम ट्रे होती है उसमें दो स्लॉट होते हैं, सिम 1 सिम 2। तो जिसमें आपने पहले सिम कार्ड लगा रखा उसका चेंज करके आपको सिम 2 में लगा लेना है। अगर सिम 2 में लगा रखा है तो सिम 1 में लगा के देख लेना है, इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे आपको टैप करना है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा और रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में भी आपको दोबारा से फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।